The Organized Mind. दोस्तों इस किताब की थीम है Thinking Straight in the Age of Information Overload. ये बुक समझाती है कि हमारा ब्रेन किस तरह उसे मिलने वाले डेटा को संभालता है. यह एक प्रोसेस है जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के इस युग में विशेष रूप से सही है. रोजमर्रा की जिंदगी में हमें जिन डिसीजंस को लेने की जरूरत पड़ती है यह उनके लिए भी एक प्रैक्टिकल गाइड है. दोस्तों अच्छी तरह से सोची समझी गई इन स्ट्रैटेजीज को सीखने से आपको अपने जीवन को मैनेज करने में मदद मिलेगी और आप किसी भी काम को अधिक प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिव तरीके से कर पाएंगे. दोस्तों इस किताब के ऑथर हैं डैनियल लिविटन, जो एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं और न्यूरो साइंटिस्ट हैं. वो म्यूजिक थ्योरी के अपने काम के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने कई बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी हैं. दोस्तों तो आइए द ऑर्गेनाइज्ड माइंड की इंग्लिश बुक समरी को सुनते हैं. अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करना सीखें. दोस्तों जिस तरह से हमारा माइंड ब्रेन इन्फॉर्मेशन को मैनेज करता है वह अक्सर रहस्यमय लगता है. डैनियल लिविटन ने इस बात से पर्दा उठाते हुए उन सिस्टम्स का खुलासा किया है जो तब काम कर रहे होते हैं जब हम कार चलाते हैं, कुछ नया सीखते हैं या यह याद रखने की कोशिश करते हैं कि हमने कुछ कहां पर रखा है. इन प्रोसेसेस की अधिक समझ के साथ आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए बेहतर रूप से तैयार हो जाएंगे. आपको यह भी पता चलेगा कि सरल टेक्निक्स को कैसे अप्लाई किया जाए. आप काम पर प्रोडक्टिव बने रहने का सबसे अच्छा तरीका जानेंगे और उन सिचुएशन से निपटना भी सीखेंगे जो आपके कंट्रोल से बाहर है. ब्रेन एक समय में लिमिटेड इनपुट्स पर ही फोकस कर सकता है. आइए दोस्तों इस पॉइंट को हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझते हैं. दोस्तों क्या आपने कभी अपने आप से कहा है कि आप ऑर्गेनाइज्ड होना चाहते हैं? यह एक आसान वादा है लेकिन इस पर एक्शन लेना मुश्किल है. दोस्तों तो आप कहां से शुरू कर सकते हैं? इससे पहले कि हम इस चुनौती का सामना करें हमें पहले डिटेल में यह समझना होगा कि हमारा माइंड कैसे काम करता है. स्पेसिफिकली हमारा अटेंशनल सिस्टम कैसे काम करता है. यह वह सिस्टम है जिससे हमारा ब्रेन जानकारी को संभालता है और कैटेगराइज करता है. आज के समय में हम इस सिस्टम में कई चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं क्योंकि हमारा दिमाग उन नए फैक्ट्स और विजुअल्स की बाढ़ से निपटने के लिए तैयार नहीं है जिनका हम हर रोज सामना करते हैं. इसके बजाय एक समय में एक चीज पर फोकस करने पर दिमाग सबसे अच्छी तरह काम करता है. यह हमारे पूर्वजों के लिए भी महत्वपूर्ण था जो बेहद फोकस्ड रहकर सफलतापूर्वक शिकार किया करते थे. उनकी सोच केवल इंपॉर्टेंट घटनाओं से डिस्टर्ब होती होगी, जैसे कि उनकी ओर बढ़ते हुए हिंसक जंगली जानवर से. आजकल हम एक साथ कई काम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, जैसे कार चलाते समय रेडियो को सुनना और अपकमिंग बिजनेस मीटिंग के बारे में सोचना. यह अनकॉमन नहीं है दोस्तों, यह कुछ ऐसा है जिसे हमारा ब्रेन सफलतापूर्वक करने के लिए तैयार नहीं हुआ है, जिसका मतलब है कि मल्टीटास्किंग एक कीमत पर आती है. जब हम अपना ध्यान अलग अलग एक्टिविटीज के बीच लगाते हैं तो हमारा ब्रेन प्रभावी रूप से काम करने में असमर्थ होता है. यह बदले में हमारे बिना सोचे समझे गलतियां करने या चीजों को भूलने और गलत जगह पर रख देने का कारण बनता है. हमारे अटेंशनल सिस्टम को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें यह भी विचार करने की जरूरत है कि हमारा ब्रेन यह कैसे डिसाइड करता है कि अटेंशन को कहां लगाना है. ब्रेन में बदलाव को डिटेक्ट करने की एक अद्भुत क्षमता होती है. दोस्तों हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंट की तुलना में चेंजेस पर ज्यादा ध्यान देने की संभावना होती है. उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप अपनी कार चला रहे हैं. आपको अचानक लगता है कि सड़क ऊबड़ खाबड़ है. इससे पहले आपने यह सोचा ही नहीं था कि सड़क कैसी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह आपके लिए उपयोगी जानकारी नहीं थी. लेकिन यह महसूस करना इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यह आपको अचानक होने वाले बदलाव या आपकी कार की प्रॉब्लम से अवेयर कराता है. बदलती सिचुएशंस हमारे सर्वाइवल के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं. क्योंकि हम अधिक से अधिक जानकारी से घिरे हैं इसलिए हम अधिक से अधिक डिसीजन लेने के लिए मजबूर हैं. आइए दोस्तों इस पॉइंट को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझते हैं. दोस्तों डिसीजंस हमारी हर दिन की जिंदगी का हिस्सा है. क्या हमें सस्ते इंटरनेट प्लान का ऑप्शन चुनना चाहिए या अधिक भुगतान करके अनलिमिटेड डेटा को लेना चाहिए? क्या हमें अभी इस ईमेल का जवाब देना चाहिए या पहले इन नोट्स को पढ़ना चाहिए? हम लगभग हर मिनट इस तरीके के फैसलों का सामना करते हैं. लेकिन हमारा दिमाग डिसीजंस के नॉनस्टॉप फ्लो का सामना कैसे कर सकता है? क्योंकि यह एक समय में एक ही आइडिया पर काम करने के लिए बनाया गया है. यह सिंपल है दोस्तों,
हम फोकस करके इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कैसे करें? जैसा कि हमने सीखा है, हमारा ब्रेन बाय डिफॉल्ट उस इंफॉर्मेशन पर फोकस करता है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां एक उदाहरण है। कल्पना कीजिए कि आप एक बिजी सड़क पर अपने खोए हुए कुत्ते की तलाश कर रहे हैं। आप ऑटोमेटिकली लोगों, कारों और बसों जैसी सभी बेमतलब की डिटेल्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं और केवल उन चीजों पर फोकस करते हैं जो आपके कुत्ते के जैसे आकार या रंग की है। इससे आपका ब्रेन तुरंत आपके प्यारे पालतू जानवर को आसानी से ढूंढ पाता है। हमारे फोकस को परफेक्ट करने वाले इस ऑटोमेटिक प्रोसेस को हमारी डिसीजन मेकिंग में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आपको कम इंपॉर्टेंट वाली डिटेल चॉइसेस पर बहुत अधिक समय नहीं देना चाहिए। इसके बजाय अपने डिसीजन लेने को सरल बनाने के लिए शॉर्टकट तरीके ढूंढने चाहिए। उदाहरण के लिए, एक तरह का डिसीजन जो हमें अक्सर लेना पड़ता है वह उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को खरीदने के बारे में होता है जो हमारे जीवन को आसान बना सकते हैं। इन डिसीजंस का एनालिसिस करने का एक अच्छा तरीका हमारे अपने समय की कीमत को पैसों में तोलना होता है, क्योंकि यह हमें किसी भी प्रोडक्ट के वादों के फायदे को कंपेयर करने में मदद करता है। दोस्तों, मान लीजिए कि आप अपने घर को खुद साफ करने के बजाय किसी को काम पर रखने के बारे में सोच रहे हैं। अपने आप से पूछें कि क्या आप इस 2 घंटे के फ्री टाइम के लिए $50 का पेमेंट करने को तैयार होंगे। यदि आपका जवाब हाँ है तो बिना कोई और विचार किए इसे कर दें। अब जब हमने सीख लिया है कि हमारे डिसीजन लेने को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, तो आगे की समरी में हम इस बात पर विचार करेंगे कि हमारे जीवन के अधिकतर पहलुओं को सबसे प्रभावी तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। हर एक चीज के लिए एक निर्धारित जगह खोजें। दोस्तों, आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। आखिरी बार आपने कब अपनी चाबी, फोन या चश्मा खोया था? दोस्तों, यह मजाकिया लग सकता है कि हर बार हमें जिन वस्तुओं की जरूरत होती है वे वही होती हैं जिन्हें हम सबसे अधिक बार खो देते हैं। इसका कारण सीधा सा है। हम जिन चीजों को खो देते हैं, हम उन्हें अक्सर अपने साथ रखते हैं। जिन वस्तुओं का हम केवल एक ही जगह पर यूज करते हैं, जैसे हमारे टूथब्रश, शायद ही वो कभी खोते हैं। दोस्तों, तो वास्तव में हमारे ब्रेन का एक विशेष हिस्सा चीजों के स्थान को याद रखने के लिए विशेष रूप से डेडिकेटेड होता है। इसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है और हमारे पूर्वजों के लिए यह जानना इम्पॉर्टेंट था कि पानी का छेद कहाँ है या वह जगह कहाँ है जहां पर जंगली जानवर हो सकते हैं। हमारे हिप्पोकैम्पस के बारे में अधिक जानने के लिए रिसर्चर्स ने लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स के दिमाग को स्टडी किया, क्योंकि उन्हें शहर के स्ट्रीट प्लान को याद रखने की जरूरत होती है। एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ड्राइवर्स का हिप्पोकैम्पस उनके समान शिक्षा प्राप्त किए गए लोगों के और उनसे अधिक उम्र वाले लोगों के हिप्पोकैम्पस से बड़ा था। इस बड़े हिप्पोकैम्पस को डिटेल से कई स्थानों को याद रखने की जरूरत के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया था। दोस्तों, हालांकि हिप्पोकैम्पस केवल उन वस्तुओं के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है जिनका स्थान नहीं बदलता है, इसलिए एक टैक्सी ड्राइवर को यह याद रखने की प्रॉब्लम नहीं होती है किसी स्पेसिफिक इमारत तक कैसे पहुंचा जाए। परंतु यह हमारे लिए एक कंटिन्यूस प्रॉब्लम है दोस्तों, कि हम यह याद रख पाएं कि हमारी चाबियां कहां हैं। यह इंश्योर करने के लिए कि आपको हमेशा इन जरूरी चीजों की तलाश नहीं करनी है, आपको बस उनके लिए एक स्पेसिफिक जगह ढूंढनी होगी। अपनी चाबी के लिए आप दरवाजे के बगल में एक स्पेशल बाउल रख सकते हैं। यदि आप किसी सामान के लिए एक स्पेसिफिक जगह डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो डुप्लीकेट चीजें खरीदना भी आपकी मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको पढ़ने के चश्मे की जरूरत है, तो उसके लिए एक ही स्थान होना निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि आपको अलग अलग जगहों पर उनकी जरूरत हो सकती है। इसके बजाय आप रात में पढ़ने के लिए अपने बेडरूम के लिए एक जोड़ी चश्मे और खरीद सकते हैं, जबकि एक और जोड़ी आप अपने ऑफिस के लिए बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, अपने ब्रेन को एक ब्रेक दें, अपने ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस को अपने दिमाग के बाहर ले जाएं। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को कुछ एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। क्या आप कभी भी अपने सर के अंदर घूम रहे सभी अलग अलग आइडियाज या विचारों से कंफ्यूजन महसूस करते हैं? यह इंश्योर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन पर नजर रखें और उन्हें अपने दिमाग के बाहर ऑर्गेनाइज करें। अपने दिमाग को खाली करने के लिए चीजों को लिखना शुरू करें। दोस्तों, जैसे ही आप आइडियाज के बारे में सोचते हैं, तो ओल्ड फैशन फ्लैश कार्ड्स आपको रिकॉर्ड करने और ऑर्गेनाइज करने का एक आसान और इफेक्टिव तरीका हो सकता है। उदाहरण के लिए, आप बस में हो सकते हैं और अचानक आपको याद आए कि आपको अपनी चाची के लिए जन्मदिन का उपहार खरीदना है। तनाव ना ले, बस इसे लिख दें।
और अब आप पूरे दिन इसे याद रखने की कोशिश करने का बोझ नहीं ढोएंगे दोस्तों। दूसरी ओर यदि कुछ ऐसा सोचते हैं जिसे आप तुरंत कर सकते हैं, जैसे कि अपनी चाची को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना, तो इसे ज्यादा ना सोचें, इसे तुरंत कर दें। 2 मिनट रूल को ध्यान में रखें। यदि काम को पूरा होने में 2 मिनट से अधिक समय लगता है तो इसे लिख लें, नहीं तो सीधे इसे कर दें दोस्तों। एक और प्रभावी तरीका ये हो सकता है दोस्तों कि आप अपने लिखे गए विचारों को कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करें। इस तरह से हमारा दिमाग लगातार कई स्टिमुलस को कैटेगराइज करता है और हमारी सोच को आसान बनाने में मदद करता है। इस प्रकार समय की बचत होती है और हमारी अटेंशन कैपेसिटी भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए यदि हम पंखों के साथ उड़ने वाली एक वस्तु को देखते हैं तो हमारा ब्रेन इसे पक्षी के रूप में पहचानता है, हालांकि ये पक्षी बाज या चील हो सकते हैं। विशेष रूप से पहचानने के बजाय इसे उस वाइड कैटेगरी में रखना आसान होता है। यही हमारे फ्लैश कार्ड के लिए भी सही है दोस्तों। उन्हें एक साथ कलेक्ट करें और उन्हें उन टॉपिक्स के अनुसार अलग अलग ग्रुप्स में बांट लें जिनसे वे रिलेट कर सकते हैं। ये पर्सनल लाइफ, काम या बच्चे जैसी कैटेगरीज भी हो सकती हैं। इस तरह आप अपने विचारों को ऑर्गेनाइज और एक्सेसिबल रख पाएंगे। अलग अलग तरीके की वस्तुओं के लिए एक जंक ड्रॉअर बनाना अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। हर दिन उनका उपयोग करें। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को हम डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। हमने देखा है दोस्तों कि कैसे कैटेगरीज बनाना हमारे विचारों और हमारे जीवन को ऑर्गेनाइज करने का एक शानदार तरीका है, लेकिन हमें उन वस्तुओं और विचारों के साथ क्या करना चाहिए जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये आइटम्स अपनी अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं। ब्रेन की कैटेगराइजिंग को उस तरह से देखा जा सकता है जैसे हम अपने रहने की जगहों को ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे घरों में आमतौर पर कम से कम एक जगह होती है जहां सिंगल लाइट बल्ब, पेपर क्लिप या कार क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जैसी चीजें होती हैं। क्योंकि यदि आपके पास केवल कुछ ही लाइट बल्ब हैं तो उनके लिए एक स्पेसिफिक ड्रॉअर होने का कोई मतलब नहीं होगा। अन्य स्पेयर ऑब्जेक्ट्स के साथ उनको मिलाकर आप जगह को अधिक इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। आप भी इन जंक ड्रॉअर का उपयोग अपने काम पर कर सकते हैं। एक कॉमन फोल्डर में शायद वो डॉक्यूमेंट्स शामिल हो सकते हैं जिसमें दूसरे फोल्डर फिट नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें निपटाना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। हालांकि जंक ड्रॉअर केवल तभी इफेक्टिव होगा जब हम समय समय पर उनका थोड़ा सा रखरखाव करते हैं। ऐसा करने का पहला तरीका नियमित रूप से उनकी चीजों की जांच करना है। यह हमें ट्रैक खोने से रोक देता है जिससे इसके ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज में कमी आएगी। कुछ चीजों को एक जंक ड्रॉअर से हटाया जा सकता है यदि आप उन चीजों को छांट रहे हैं जिन्हें आपने अभी तक यूज करने की जरूरत महसूस नहीं की है, तो यह पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको भविष्य में उनकी जरूरत होगी। इन्हें फेंका जा सकता है दोस्तों। आप यह भी कह सकते हैं कि आप बाद में अधिक स्पेसिफिक टाइप की चीजों के लिए जंक ड्रॉअर की वस्तुओं को अन्य स्थानों पर ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, शायद आपने हाल ही में स्क्रैप बुकिंग में अपनी हॉबी डेवलप की है। यदि आप अपने जंक ड्रॉअर को ध्यान से देखते हैं तो आप लगभग एक पर्टिकुलर रूप से उन वस्तुओं को ढूंढ लेंगे जो स्क्रैप बुकिंग ड्रॉअर में एक नई जगह पा सकती है, जैसे कि एक्स्ट्रा कैंची या डबल साइडेड स्टिकी टेप। रिचार्ज के लिए अलग समय डिसाइड करें ताकि आप बाद में अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। हाँ दोस्तों, रिचार्ज के लिए अलग समय डिसाइड करें ताकि आप बाद में अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को कुछ एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। हर कोई जानता है कि एक अच्छी रात की नींद के बाद आप कहीं अधिक प्रोडक्टिव होते हैं, और फिर भी हम अक्सर थोड़े से अधिक काम करने के लिए कुछ घंटों के लिए इसे छोड़ देते हैं। लेकिन यह एक गलती है दोस्तों। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन काफी हार्डवर्क करता है। यह दिन भर की नॉलेज को प्रोसेस करता है और एग्जिस्टिंग नॉलेज में बदल देता है। यादें, समस्याएं और विचार अक्सर हमारे सपनों में दिखाई देते हैं, और हमारे सोने के बाद हम किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए खुद को बेहतर पोजीशन में पा सकते हैं। यह प्रोसेस स्टडीज द्वारा सपोर्टेड है। रिसर्चर्स ने पाया है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करने वाले छात्रों ने रात को जागने की जगह रात की नींद लेने के बाद बेहतर परफॉर्म किया। तो अल्टीमेटली आप सोने के बाद दुगनी स्पीड से काम कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि नींद जरूरी है, और जब आप थके हुए होते हैं तो काम करने का प्रयास करना गलत है। नींद ही एकमात्र रास्ता नहीं है जिससे हम अपने दिमाग को फिर से चार्ज कर सकते हैं। कई कंपनीज ने एम्प्लॉयज के काम के समय को कम करके और आराम के लिए सुविधाएं और अवसर प्रदान करके भी बेनिफिट उठाया है दोस्तों।
फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट में एम्प्लॉई को आराम करने और रिचार्ज करने के लिए इन हाउस स्पा का उपयोग करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। यह ना केवल एम्प्लॉयज के लिए बहुत अच्छा होता है, बल्कि जैसा कि स्टडीज से पता चला है कि काम के घंटों को कम करने पर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसी सुविधाओं के साथ रेस्ट करने से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। अकाउंटिंग फर्म अर्नस्ट एंड यंग ने एडिशनल वेकेशन टाइम की अनुमति देकर वर्कर्स की परफॉर्मेंस में सुधार किया है। वास्तव में एम्प्लॉयज द्वारा किए गए हर एडिशनल 10 वेकेशन आवर्स से एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस की रेटिंग में 8% की ग्रोथ हुई है। सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचना इम्पॉर्टेंट है ताकि आप हमेशा तैयार रहें। हाँ दोस्तों, सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचना इम्पॉर्टेंट है ताकि आप हमेशा तैयार रहें। वर्स्ट केस सिनेरियो। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, एक कल्पना कीजिए कि आप छुट्टी पर हैं और आपको अभी पता चला है कि एयरलाइन ने आपका सामान खो दिया है। आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? बेशक पॉजिटिव होना अच्छा है, शायद वे आपका बैग ढूंढ लेंगे, लेकिन फिर भी तैयार रहना बेहतर है। अच्छी बात यह है कि आप एडिशनल टूथब्रश साथ में लेके चले। दोस्तों, हर बार जब आप कुछ प्लान बनाते हैं तो आपको उन सभी चीजों पर विचार करना चाहिए जो गलत हो सकती हैं, और उनके होने से पहले सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह से असफलता के लिए प्लान बनाना मुश्किल नहीं है। यह आपके सामने के दरवाजे के बगल वाले गमले के नीचे एक अतिरिक्त चाबी रखने जैसा सिंपल और सीधा हो सकता है। बिजनेस सिचुएशन में एक प्लान भी विशेष रूप से इंपॉर्टेंट होता है। यह सच है कि कभी कभी सिर्फ बातें होती हैं, आप एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को भूल जाते हैं, या आप किसी ऐसे व्यक्ति की कॉन्टैक्ट डिटेल्स खो देते हैं जिससे आपको बात करनी होती है। लेकिन यदि आप अपना समय आगे के प्लान को बनाने के लिए निकालते हैं तो इन गलतियों की संभावनाएं कम होंगी। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर की सहायता से आपके फोन, कंप्यूटर या दोनों पर आप यह इंश्योर कर सकते हैं कि आप फिर कभी मीटिंग्स के बारे में नहीं भूलेंगे। काम पर एक प्लान बी आपके ऑफिस में एक अतिरिक्त शर्ट को भी शामिल किया जा सकता है, जो तब काम आ सकती है जब आप गलती से अपने बॉस के साथ एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से पहले अपनी कॉफी अपनी शर्ट पर गिरा लेते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है कि हम गलती को रोकने के लिए अकेले टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं हो सकते। दोस्तों, फोन, कंप्यूटर और अन्य टेक्निकल डिवाइसेस सही नहीं है, और कुछ पॉइंट्स पर हमें बिना किसी चेतावनी के धोखा दे सकते हैं। यही कारण है कि आपको बैकअप के रूप में नॉन टेक्निकल सॉल्यूशंस को भी तैयार रखना चाहिए। यह कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आपका टैक्सी ड्राइवर करता है, वे अपनी कार में प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड प्रेस हमेशा रखते हैं ताकि अगर उनकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कार्ड मशीन काम नहीं करती है तो वह यह इंश्योर कर सके कि टेक्निकल फेलियर के कारण वह कोई किराया नहीं खो रहे हैं। हम हर सवाल का जवाब नहीं जान सकते, लेकिन हम यह जान सकते हैं कि इसे कहां और कैसे ढूंढा जाए। हाँ दोस्तों, हम हर सवाल का जवाब नहीं जान सकते, लेकिन हम यह जान सकते हैं कि इसे कहां और कैसे ढूंढा जाए। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, आज हम अपने दादा दादी के समय से बहुत अलग जीवन जीते हैं। सबसे बड़े बदलाव में से एक वह तरीका है जिससे हम बिना ज्यादा समय लगाए बड़ी मात्रा में जानकारी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ मिनट गूगल करने से भी कम समय लगता है। दोस्तों, फिर भी एक इंपॉर्टेंट सवाल जो हमें लगातार खुद से पूछना चाहिए वो है कि क्या यह जानकारी विश्वसनीय है। हम में से कई लोग विकिपीडिया का यूज करते हैं। दोस्तों, इसमें दी गई जानकारी हमें टॉपिक्स की एक डिटेल्ड सीरीज प्रदान कर सकती है। यह बेहद हेल्पफुल है, लेकिन इसमें एक बड़ी खामी भी है। दोस्तों, विकिपीडिया के पेज पर कोई भी जानकारी को एडिट कर सकता है, इसलिए हम कभी भी निश्चित नहीं हो सकते हैं कि क्या यह विश्वसनीय है या नहीं। इसका मतलब है कि हमें जानकारी को वेरीफाई करने के लिए समय निकालना चाहिए, यह चेक करने के लिए कि कोई वेबसाइट एक वैल्यूएबल रिसोर्स है या नहीं। हम पहले यह चेक कर सकते हैं कि कोई विश्वसनीय वेबसाइट जैसे कि एस्टैब्लिश न्यूज सर्विसेज या सरकारी वेबसाइट्स, उस वेबसाइट से लिंक है या नहीं। यदि ऐसा है तो साइट के भरोसेमंद होने की संभावना अधिक हो जाती है, और हम इस जानकारी को कई अन्य वेबसाइट्स के कॉन्टेंट के साथ क्रॉस चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, हालांकि ऑनलाइन चेकिंग करके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है। कॉम्प्लेक्स दुविधाओं में, विशेष रूप से वर्कप्लेस में, आपको सॉल्यूशन खोजने के लिए आपको खुद के बारे में सोचने की जरूरत होगी। इन्वेंटिव और इनोवेटिव सोच एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप सिर्फ गूगल नहीं कर सकते हैं। ऐसे मामलों में हाइपोथेटिकल अजम्पशन को आर्ग्यू, एस्टिमेट और डेवलप करने की क्षमता इंपॉर्टेंट होती है।
फॉर एग्जाम्पल, गूगल के जॉब इंटरव्यूज में संभावित उम्मीदवारों से ऐसा सवाल पूछा जाता है जिसका कोई सही जवाब नहीं होता है। यहां आपके ट्राई करने के लिए एक सवाल है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का वजन कितना होता है। गूगल को इस बात में दिलचस्पी थी कि क्या कैंडिडेट अपनी लॉजिकल स्किल्स का उपयोग करके खुद प्रॉब्लम पर काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अप्रोक्सीमेट साइज और बिल्डिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले कॉन्क्रीट के वजन को कैलकुलेट करके प्रोबेबिलिटीज को समझें और जानकारी को इवैल्यूएट करने के लिए इंपॉर्टेंट स्किल्स को हासिल करें। हाँ दोस्तों, प्रोबेबिलिटीज को समझें और जानकारी को इवैल्यूएट करने के लिए इंपॉर्टेंट स्किल्स को हासिल करें। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को कुछ एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में हैं जहां 10% स्टूडेंट इंजीनियर हैं। यहां एक स्टूडेंट एक पॉकेट प्रोटेक्टर पहन के आता है जो आपकी शर्ट की जेब में पेन रखने के लिए काम आती है। अब आप क्या कहेंगे दोस्तों कि क्या यह एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है? तो फैक्ट यह है कि एक पॉकेट प्रोटेक्टर एक बेहद पढ़ाकू स्टूडेंट के लिए एक स्टैंडर्ड एसेसरी है, जिसकी वजह से आप में से कई लोगों को लगता है कि वह स्टूडेंट इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकता है। लेकिन 10% रेशियो को याद रखें दोस्तों, यदि 90% छात्र इंजीनियर नहीं है तो यह बहुत अधिक संभावना है कि हमारा पॉकेट प्रोटेक्टर वाला दोस्त इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करता है। हमारी शुरुआती गलतफहमी उस तरीके को दर्शाती है जिसमें एक पर्सन या सिचुएशन किसी चीज का एक आइडल एग्जाम्पल लगती है। वह हमारे बेस रेट को नेग्लेक्ट करने का कारण बन सकती है। एक बेस रेट एक इवेंट के होने की संभावना है जो अन्य फैक्टर्स को ध्यान में रखे बिना नापी जाती है। बेस रेट्स के साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी की हमारी समझ अक्सर उस स्टार्टिंग पॉइंट पर डिपेंड करती है जो हम वर्तमान में हैं। तो कल्पना कीजिए कि आप बहुत बीमार हैं, आपका डॉक्टर आपको एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराता है जो आपके ठीक होने की संभावना को 10% बढ़ा देगा। यदि ट्रीटमेंट 0 से 10% तक रिकवरी की अपनी संभावना को बढ़ाता है तो आप डेथ होने से 10% जीवित रहने तक की संभावना तक आ जाएंगे, और अगर यह 90% से बढ़कर 100% हो जाता है तो आपकी रिकवरी निश्चित है दोस्तों। दोनों ही केस में आप ट्रीटमेंट का ऑप्शन चुनेंगे। लेकिन क्या होगा अगर यह 20% से बढ़कर 30% हो जाए? फिर आप संकोच कर सकते हैं कि इससे सहमत होने से पहले आप ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स और कॉस्ट के बारे में पूछ सकते हैं। एक स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव से यह अजीब है क्योंकि इन सभी मामलों में 10% की वृद्धि सेम है। सिनेरियो उनके अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट्स के कारण अलग अलग महसूस होते हैं। हालांकि हमारे दिमाग में प्रोबेबिलिटीज को डील करने में कठिनाई होती है, लेकिन उनके पीछे के गणित को समझकर हम उनके इम्प्लीकेशंस को अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी पसंद बना सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में इस किताब के मेन टेक अवेज मैं आपके सामने फिर से दोहराता हूं। पहला, जब हम अपना ध्यान कई एक्टिविटीज में एक साथ लगाते हैं तो हमारा ब्रेन प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाता है। यह बदले में हमारे द्वारा बिना सोचे समझे गलतियां करने या चीजों को भूलने का कारण बनता है। दूसरा पॉइंट, आपको कम महत्वपूर्ण रोजमर्रा के कामों पर बहुत अधिक समय नहीं देना चाहिए। इसके बजाय अपने डिसीजन लेने को आसान बनाने के लिए शॉर्टकट और कुछ और तरीके ढूंढने चाहिए। तीसरा पॉइंट, अपने दिमाग को खाली करने के लिए चीजों को लिखना शुरू कर दें। जैसे ही आप किसी आइडिया के बारे में सोचते हैं तो उन्हें ओल्ड फैशन्ड फ्लैश कार्ड्स में लिख लेना उन्हें ऑर्गेनाइज करने का एक आसान और इफेक्टिव तरीका हो सकता है। चौथा पॉइंट, 2-मिनट रूल को ध्यान में रखें। यदि काम को पूरा होने में 2 मिनट से अधिक समय लगता है तो इसे लिख लें, नहीं तो इसे कर दें दोस्तों। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें, हम इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के युग में रहते हैं। यह हमारे ब्रेन्स के लिए एक चुनौती पैदा करता है जिन्हें एक समय में एक चीज पर फोकस करने के लिए तैयार किया जाता है। जिस तरीके से हमारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन को अलग करता है, उसे कैटेगराइज करता है और हमारे फोकस को मेंटेन रखता है, उस तरीके को जानकर हम भी अपनी लाइफ को बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार किताब है दोस्तों, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड। हम अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और हमारी जिंदगी तभी ऑर्गेनाइज होगी जब हमारा माइंड ऑर्गेनाइज होगा। बिकॉज मैन इज द माइंड, माइंड इज द मैन। चेंज द माइंड, चेंज द मैन। इफ यू वांट टू चेंज द मैन, चेंज द माइंड। आशा करते हैं आपको ये किताब पसंद आई होगी दोस्तों। तो बहुत बहुत आपसे गुजारिश है, दिल से गुजारिश है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इतनी अच्छी किताबों की समरीज को जन जन तक पहुंचाएं दोस्तों। अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इनको शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें,
हम चाहते हैं कि आप तन मन धन किसी भी प्रकार दोस्तों, क्योंकि मदद से ही अच्छा काम आगे बढ़ सकता है। तो यदि आप किसी भी प्रकार हमारी कोई भी सहायता करना चाहें तो 9829644744 पे आप मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। तो आप कुछ भी देना चाहें किसी भी तरीके से शेयर ही कर लीजिए इन किताबों को, वो भी एक तरीके से देना है। लोगों को कह दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी एक तरीके से देना है। और कोई और भी तरीका आपके दिल में आता है तो आप जरूर करिए दोस्तों। ज्ञान लेना आसान है, कुछ ना कुछ करना अच्छे कामों के लिए ये थोड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए, पर तब भी हम ये आशा करते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे 9829644744 पे व्हाट्सएप करके। बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकालते हैं और इन बुक समरीज को सुनते हैं। थैंक यू सो मच।